लोग कहते हैं एक कंपोजिट मटेरियल होता है सुनहरी कागज, ये प्रोग्राम भी कुछ उसी तरह का है, कंपोजिट प्रोग्राम। आज स्वर्गीय श्री रामकृपाल गुप्ता जी की पुण्यतिथि है, तो उनको सादर नमन। की पर्सनैलिटी के हम एल्बम की रिलीज है, मंजुश्री गुप्ता जी और उनके गैंग या उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई हो। ये प्रोग्राम बड़ा अपने आप में अनोखा प्रोग्राम है, और जिस परिवार से पहली बार मेरा परिचय हो रहा है इस कार्यक्रम के द्वारा, मैं ये कहूँगा कि इस फैमिली में सारे लोग छुपे हुए रुस्तम हैं, दिखाई नहीं देते हैं, इससे पहले दिखाई नहीं दिए, लेकिन जब उनकी रचनाएं सामने आई तो लगा कि नहीं, बहुत बड़ी बातें उन्होंने कह दी हैं छुप के। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, टाइम कम है, और ये मैं कहने नहीं आया था, सुनने आया। आपने मुझे सम्मान के साथ बुलाया, इसके लिए मैं आभार मानता हूँ, आमंत्रण के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं देख रहा था सारी रचनाओं में और गीत में भी, देखिए आपने सुर दिया रामकृपाल जी की रचना, उनके स्वर थे, उनके जो बिंब थे। हम लोग कला में मानते हैं कि कोई भी कला हो उसका जो मूल सार है वो अभिव्यंजना है, और अभिव्यंजना अभिव्यक्ति से पूर्व अमूर्त होती है, उसको एक रूप दिया जाता है चित्र के माध्यम से, स्वर के माध्यम से। लेकिन वो बिंब जो है वो अपने में गतिशील नहीं होता है, वो बस स्थूल रूप में आता है। संगीत जो है या जिसमें लय है वो आपने दी, तो इस तरह से जो शब्द चित्र थे या जो शब्द थे वो सब के सब गतिमान हो गए और संगीत बन गया। मुझे याद है सौंदर्य शास्त्र जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छा कवि भी है, फिलोसोफर भी है, उससे पहले बाकी लोगों ने कला की जब उसको एक्सप्लेन किया, डिफाइन करने की कोशिश की, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिफिनेशन आई और उसकी व्याख्या बहुत कठिन थी। गणित तो क्रोचे इटालियन फिलोसोफर है, पोएट भी है, वो कहता है कि कला जो है वो सहज अभिव्यंजना है, और जो सहज होता है वो मन को छू जाता है। तो कला का जो मूल तत्व है वो संवेदना है, और ये संवेदना जो है ये इन सारे गीतों में आपकी आपकी आवाज में बड़ी खालिश है। तो वो जो चीज है मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो ज्यादा मेरा चित्र से और दृश्य कलाओं से वास्ता है, लेकिन जब मैं सुन रहा था, इसे पढ़ रहा था, तो सारा एकदम विजुअल्स चल रहे थे उसके, और ये विजुअल्स कोई बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति या जो बहुत दार्शनिक बातें करते हैं, जैसे मैं अभी हो सकता करने की कोशिश कर रहा हूँ वैसा नहीं, एक बहुत ही साधारण व्यक्ति जो जिंदगी को जी रहा है और बहुत नजदीक से देख रहा है, जिंदगी को छू रहा है, वो छू छू के देख रहा है, वो बात है इन कविताओं में, और ये बहुत बड़ी बात है। उसका एक एक आवाज में जैसे टेक्सचर होता है, रफीक साहब की आवाज पर बड़ा अच्छा टेक्सचर है, वो लेखन इस तरह का टेक्सचर आप बुन सकते, छू के महसूस करेंगे कि ये बहुत ही सॉफ्ट मसलिन है या खद्दर, वो चीज मुझे इसमें दिखाई दे रही है। मैंने महसूस किया है कि जो बुनावट है उसका जो टेक्सचर है वो वहां पे है, और एहसास जो है बड़े आम आदमी के, बड़े रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास हैं, उनको आप छू मतलब जीते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कोई बिल्कुल गुमनाम है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, काम करता है और खाली समय में बैठ के अगर उन चीजों को जो देखता है उनको एक माला में पिरो के रख देता है, ये बहुत बड़ी बात होती है, और यही इसी तरह की रचनाएं जो है बहुत बड़ी रचनाएं कही जाती हैं। मैं एक बार फिर उनको नमन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, और इस तरह के प्रयास जारी रहने चाहिए।